फाइनली हम लोग मूर्ति के अंदर जा रहे हैं, तो अभी आपको दिखाएंगे और पास भी दिखाना पड़ेगा। अभी स्कैन होगा, बाद में ही अंदर जा सकते हैं। देखो, तो अभी महादेव जी बैठे हैं, उसके अंदर का व्यू देखो, ये पूरा अंदर का व्यू है अभी। और अभी आपको दिखाता हूँ, देखो ये पूरा अंदर का मैप है, लीप कहाँ पे है वो सब है। तो अभी आगे भी आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। देखो यहाँ वेटिंग के लिए बैठना पड़ेगा, अभी वेटिंग रूम है। क्या बोल रही, वेटिंग रूम है। देखो ये सब लाइन में एक्सप्रेसवे के लिए, लाइन के लिए बैठने के लिए बना दिया है अच्छा तरह से। तो अभी फाइनली हमारी एंट्री हो रही है ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में। तो अभी आरती मैडम आ गए, तो अभी फाइनली हम लोग 11 फ्लोर पर आ गए। देखो ये नागदादा दिख रहा है यहाँ से, और पूरा राजस्थान भी दिख रहा है। क्या देख रही है भाई, महादेव के मुंह के पास आ गई। तो नेक देख, यही तक है नेक की। अभी ऊपर जाना है ना, अभी ऊपर लेके जाएगा। नहीं नहीं, ये रहा ग्लास सीढ़ी, ये इधर है। ये कड़ी है, कान की कड़ी बाली। देखो यहाँ से पूरा गार्डन दिख रहा है, और महादेव जी का छाती है, ये फाउंटेन हो रहा है वहाँ पे। देख, नेक बोलते हैं, नेक ये नेक है, वो तो दौड़ है ना उसका। देखो ये ग्लास वाला ग्लास वाला बीच है, ब्रिज। ओ भाई, डर लग रहा है, डर रहे हैं सब लोग चलने में। ब्रिज पूरा कांच का ब्रिज है, देखो नीचे से। फीट ऊपर आए हम लोग, और पूरा यहाँ से ट्रांसपेरेंट ग्लास है। महादेव की छटा में हम खड़े हैं, ये जटायु है, और ये त्रिशूल भी दिख रहा है। देखो यहाँ अभी कांच पे खड़ा रह के डर लग रहा है। आगे बढ़ो, ये डर लग रहा है हमको भाई। देखो ये त्रिशूल दिख रहा है मस्त, सनसेट पॉइंट का जारो देख, सनसेट पॉइंट का। ओ बढ़िया सा सनसेट हो रहा है, देखो वहाँ से निकल। देखो आगे हेलीपैड भी है तीन, और यहाँ पूरा ये मिराज वाले का ही जमीन है। कहाँ जाने का, हाँ तो आई। देखो ये बंकिंग जमीन है, यहाँ से सब बंकिंग जम्पिंग करते हैं। अभी तो बंद है फिलहाल, इसलिए हम नहीं जाने वाले उसमें।
फाइनली चलो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। आरती कहाँ चली गई भाई? हमारी होटल भी देख यहां से दिख रही है। तो देखो अभी हमारी होटल भी दिख रही है। अभी ये होटल में हम रुके हैं, यहाँ से विंडो से हमारे को पूरी मूर्ति दिख रही है। और ये सब अभी व्यू देख रहे हैं, बिलीव नहीं हो रहा है लोग का, इसलिए स्टैच्यू ऑफ बीफ का मीनिंग होता है विश्वास स्वरूपम। इसका नेम का बढ़िया सा व्यू दिखाता हूँ आपको। अभी ये 11 माले पे खड़े हैं और शोल्डर पर यहाँ से अभी 16 माले ऊपर है, 351 मूर्ति के ऊपर अभिषेक होता है। अभी 280 फुट पे हम खड़े हैं, तो इससे ऊपर 16 माले है। अभी हम खड़े हैं ना उससे अभी चलो हम जा रहे हैं ऊपर नीचे, अभी नीचे जा रहे हैं, दर्शन हो गया। और पूरा देखो यहाँ से कितना देखने के लिए स्थल है, ऊपर से नीचे आया तो यहाँ पूरा ठंडा इतना है ना, ये इसमें आने इस पे तो चल बहुत ठंडा है। पूल ऐसी है ना, सेंट्रल ऐसी है ना, इसलिए ये नीचे नहीं चल पाते, इतना ठंडा है, इसलिए इसके ऊपर घुसबम आ गया इसको। तो देखो ये स्टैच्यू ऑफ बीफ विश्वास स्वरूपम। तो अभी हम लोग बाहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, अभी एग्जिट हो रहे हैं यहाँ से। और अभी यहाँ हमारा फोटो दिखेगा, आपको दिखाएंगे। देखो अभी हमारा फोटो ऊपर लिया था और आप सभी दिखा रहे हैं। देखो अभी हम लोग यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं, अंदर मूर्ति के अंदर ये, तो अभी देख रहे हैं सब लोग। इसमें चॉकलेट की खुशबू आ रही है। तो अभी हमारा फाइनली एग्जिट हो रहा है और हमारा बेल्ट भी निकल जाएगा यहाँ पे। फाइनली हमारा बेल्ट भी निकल लिया है और अभी थोड़ा वीडियो शूट करना है, तो अभी हम पाँव के पास जाएंगे अभी चरण स्पर्श करने के लिए। वापिस जाना है तो जाए, नहीं तो नहीं जाए। देखो अभी सनसेट दिखाता हूँ आपको, बढ़िया सा व्यू आ रहा है। देखो मस्त सनसेट भी हो रखा है, ये देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है अभी। तो हम लोग यहाँ पर फिर से जाने वाले हैं पेड़ के पास सनसेट का व्यू देखने के लिए, तो आपको भी दिखाती हूँ वहाँ से। मैं जल्दी से जाती हूँ फटाफट। और पब्लिक भी धीमे धीमे बढ़ रही है थोड़ी, क्योंकि अभी धूप नहीं है, तो इसलिए देखो अभी बढ़िया सनसेट व्यू आ रहा है यहाँ से। अभी हम लोग वापिस आए थे दर्शन करने के लिए, ये यहाँ पे वीडियो लेना था आरती के लिए चरण पादुका के साथ, इसलिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं आज, अभी इसमें लेसर शो होगा पूरा, तो आपको अभी वो भी दिखाएंगे। तो अभी नाइट होगा, जब नाइट होगा तभी लेसर शो होगा। आपने दिन में देख लिया। और अभी नाइट का व्यू भी आपको दिखाएंगे, देखो अभी ट्रेन निकला, ट्रेन भी चल रही है यहाँ बढ़िया सा। देखो अभी कितना बड़ा नंदी महाराज है, अभी वहाँ पे छोटे बच्चे खड़े रह गए तो भी छोटा लग रहा है, इतना बड़ा तो नंदी महाराज है। और देखो यहाँ मूर्ति का व्यू मस्त आ रहा है और तेरा भी व्यू मस्त आ रहा है, मस्त तो वाइट आ रहा है। देखो अभी हम लोग लाइट
एस्ट्रो देखने के लिए बैठ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 360 में अभी हमारे साथ यहाँ से लाइट शो देखेंगे बढ़िया सा। और देखो अभी लाइट यू मस्त आ रहा है। तो अभी आरती को पॉपकॉर्न खाना है, तो अब मैं पॉपकॉर्न लेने के लिए आ रहा हूँ। और दूसरा क्या है देखता हूँ मैं अभी। यहाँ फूड काउंटर है, सब चाट बाट बस आलू टिक्की और सब मिल रहा है। क्या है पॉपकॉर्न का, एक एक दे दो ना। ओके, तो अभी पॉपकॉर्न का टोकन लेना पड़ेगा यहाँ से। अभी हमने यहाँ से थोड़ा खाना नाश्ता ले लिया है, पॉपकॉर्न लिया है, 50 रुपये का इतना आया। और अभी स्टीम मोमोज और फायर मोमोज भी बोला है, तो अभी हमारा हो रहा है। देखो अभी हमारे लिए मोमोज भी लेके आए, और अभी मोमोज खा रहे हैं हम लोग। और सेंस मीने के लोग बैठे हैं यहाँ पे देखो, और हमको बोल रहे हैं कि सेंस नहीं है, और लड़ाई कर रहे हो ये। आशा करते हैं कि आपका दिन यहाँ मंगलमय रहा होगा। विश्वास स्वरूप में आपका दिन और भी यादगार बनाने के लिए एक विशेष आकर्षण 3D प्रोजेक्शन मैपिंग का आयोजन कुछ ही समय में किया जा रहा है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि संगम स्थल, फूड कोर्ट या एमपी थिएटर पर एकत्रित होकर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बड़ी काल गणना के बाद यहाँ
मानव पैदा हुआ, किंतु उसे किसी प्रकार का देखो अभी कितना सारा पब्लिक। अभी हमने शो देख लिया लाइट शो, तो अभी आपको दिखाएंगे व्लॉग में पूरा भीज गए, परसेवा हो गया, गर्मी इतनी सारी हो गई। देखो अभी पब्लिक ने इतना सारा गंदा किया, ये सब करना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी जगह पे आते हो तो ये कचरा मत करो। डस्टबिन रखी है तो डस्टबिन में ना डालो सब। कहाँ चले गए पब्लिक ने कितना सारा खर्चा गंदा किया, इतना लोगों को गंदा नहीं करना चाहिए। डस्टबिन रखा है तो डस्टबिन में डालना चाहिए क्या? तो अभी हमने लाइट शो भी देख लिया है, सब देख लिया है। अभी थोड़ा खाने पीने के लिए जाएंगे, हमने तो नाश्ता कर लिया है, तो अभी ये लोग सब खाने के लिए जाएंगे। मैं तो नहीं खाऊंगा, और आज थोड़ा कलेश हो गया है वो मासी के साथ। वो बुजुर्ग थे, हम समझते थे, पर उसने पहले आके आपको धक्का दिया और बैठ गए, और हमको बैठने देने में कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग बैठे थे तो इसलिए थोड़ा झगड़ा हो गया था, आज कलेश हो गया था। तो अभी आगे का वीडियो में आपको दिखाएगा कि ये साइंस बिना की बात कर रहे थे, वो ऐसा बोल रहा था कि गुजराती लोग ऐसे ही होते हैं, गुजराती नहीं सब मानस है, तो मानस जैसे रहता है सब, कोई ऐसा काम नहीं करता है खराब। वो लोग ने कास्ट पे बोल दिया। देखो अभी हम लोग आए थे तब पब्लिक ही नहीं था, अकेले चले जा रहे थे। अभी कितना पब्लिक जा रहा है, देखो दूर दूर तक कितना पब्लिक है। और यहाँ पे भी अभी सब लोग पानी वानी पी रहा है, क्योंकि चलना बहुत रहता है ना, तो ठंडा पानी पीने के में मजा आती है। ये बढ़िया, और दस मीटर के अंतर में ये फिल्टर, बड़ा सा ये फिल्टर रखा हुआ है, इसलिए पानी का भी सुविधा बहुत अच्छा है। इसलिए मैं घर से ही स्टील की बोतल ही लेके आई, उसमें पानी ठंडा रहे ना, इसलिए। तो अभी ये यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सुविधा ही इतनी अच्छी है ना, इसलिए अभी आए, आप आएंगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको भी। शांत, एकदम शांत है। देखो अभी यहाँ नाक दमन कर रहे हैं कृष्ण भगवान, वो सब दिखाया हुआ है। और अभी आगे आपको एक गेम दिखाता हूँ, 100 रुपये का एक बॉल, उसमें अंदर चला जाए तो कार्टून फ्री। तो आरती को खेलना था, अंदर जाता ही नहीं है, बाहर ही निकल जाता है, तो आपको दिखाता हूँ वो भी। देखो बाहर ही निकल जाती है, ये लब्बर वाला बॉल है, इसलिए वो ये स्प्रिंग खा के बाहर ही आ जाएगा, नहीं रहेगा अंदर। ठीक है, देखो अभी ये भाई डाल रहा है बाहर, आ गया तीसरा डाल, आ गया बाहर, अंदर ही नहीं रहता है। तो अभी आरती को थोड़ा जनरल नॉलेज दे रहे थे, क्योंकि वो कॉलेज में अच्छी तरह से। देखो अभी बाय बाय बोल देते हैं, बाल बाय, शिव की मूर्ति को बाय बाय बोलते हैं, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ को बाय बाय बोलते हैं। अगली बार नाथ द्वारा में आएंगे तब अवश्य मुलाकात। ऐसा मैंने उतरे ना, इसलिए मम्मी ने फोन कर दी जी। अभी हम लोग डायरेक्ट महादेव की यहाँ महाराजा में आ गए खाने डिनर करने के लिए, और मम्मी की वेट कर रहे हैं बाहर, क्योंकि मम्मी अभी मम्मी होटल पे आराम कर रही थी। वो हमारा मसाला डोसा आ गया है, और मम्मी के लिए बिना ऑनियन का मसाला डोसा, वहाँ पे तो आधा तो खा गए, और हम लोग अभी चालू नहीं किया है, तो अभी हम भी अभी दूसरा भी मंगवाया है। मैंने प्लेन डोसा मंगवाया, और मम्मी के ने इडली सांभर मंगवाया। आज तो साउथ इंडियन ही खाने का है, क्योंकि आगे मोमोज वो खाया ना, इसलिए हमारा तो पेट भरा हुआ है, आपने नहीं खाया इसलिए खाने के लिए आया। अभी प्लेन डोसा आ गया, कितना बड़ा है, और मम्मी के लिए इडली सांभर भी आ गया, तो अभी हम लोग खा रहे हैं।
हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आ गए हैं होटल में, तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं और ये ब्लॉग यहीं पर ही पूरा करते हैं। जो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और ढेर सारा प्यार करो। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल अगले ब्लॉग के साथ।